गली में है, बकुमार में काली कलकत्ता वाली मंदिर में भयंकर होता पिता देखे ना, उसने सिर काटा देता है, पितरों का सिर काटता है, वो सिर अलग का आत्मा अलग से शरीर अलग को बता देते हैं ना, माँ काली के बारे में बताया कि वो जितने सिर काटती जाती है उतने ही सिर और पैदा होते जाते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए महाकाली ने खप्पर तैयार किया और उस खप्पर में जो रक्त बीज राक्षस था, जिसके खून की जो भी बूंद गिनती थी तो नए नए राक्षस तैयार हो जाते थे। उनके जितने सिर काटते जाओ वो तैयार होते थे। तो उस खप्पर से नीचे उसने बूंद को गिरने ही नहीं दिया। वास्तव में ये स्थूल खून की बात नहीं है, ये संकल्पों के खून की बात है। जैसे रावण के लिए दिखाते हैं कि राम जितने रावण के सर काटते जाते थे नए नए सर निकलते जाते थे, ये ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में मनसा के संकल्पों की बात है। जो ईश्वर आकर के ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान में ढेर की ढेर शंकाएं पैदा होती है। ये रावण के सिर हैं, उन शंकाओं को जितना जितना समाधान किया जाता है, एक शंका उठी उसको खत्म किया दूसरी शंका उठती है, दूसरी शंका उठती है उसको खत्म किया तीसरी उठती है। ये रावण के सिर हैं, ऐसे ही उनको महाकाली के रूप में रक्त बीज के राक्षस के रूप में दिखाया गया है। ये संकल्पों के खून का बीज है जिसे एक बूंद बीज से अनेकों राक्षस पैदा हो जाते हैं। अनेक प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। तो उसको खत्म करने के लिए योगाग्नि की ज्वाला वाला खप्पर तैयार किया जाता है। उस खप्पर में जो भी रक्त बीज राक्षस के बूंद गिरते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि बात में से बात निकलती है, बाल में से खाल निकलता है, खाल में से बाल निकलती है, इसका अंत ही नहीं होता है। जब प्रश्नों का अंत नहीं होता है, ये सवाल जवाब की बात है, वाचा के द्वारा वाचा का समाधान नहीं हो पाता, वाचा से बत बढ़ता है, बातें बढ़ती चली जाती हैं। उनको खत्म करने के लिए एक ही तरीका है कि योगाग्नि का खप्पर तैयार कर दिया जाए।
वो पात्र, ये बुद्ध रूपी पात्र ऐसा बना दिया जाए, इस खोपड़े को जब उतारा जाए तो ये खप्पर होता है खोपड़ा, इसमें योग अग्नि का इतना जबरदस्त जमावड़ा किया जाए कि कोई के प्रश्न उठ ही न सके। लास्ट में ऐसा होगा जब मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तब मन का मौन होता है। तो ये महाकाली ने भी रास्ता निकाला और राम के लिए भी यही रास्ता बताया गया। इस रावण के नाभि कुंड में अमृत बह रहा है, नाभि कुंड कोई दूसरी चीज नहीं है। नाभि कुंड अर्थात जहां 16,000 नसे नाड़ियां जाकर इकट्ठी होती हैं, ये 16,000 नसे नाड़ियां शहद की मक्खियां हैं। जो रानी के कंट्रोल में होती है वो शहद की मक्खियों की रानी अमृत का भंडार है। ये अमृत पवित्रता का भंडार कहा जाता है। एक जन्म की पवित्रता नहीं कि सिर्फ संगम युग में ही वो पवित्रता धारण की जाती हो, जन्म जन्मांतर की पवित्रता है। प्योरिटी से दुनिया के सब काम होते हैं। देवी देवता सनातन धर्म भल प्राय लोप हो गया है, दिखाई नहीं देता है, फिर भी अभी कहीं ना कहीं अस्तित्व है, पूरा समाप्त नहीं हुआ है। माना वो पवित्रता अभी भी काबिज है, जिसके कारण ये दुनिया चल रही है। जब वो प्योरिटी की अंतिम स्टेज आ जाएगी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसलिए बताते हैं कि देवी ने भी काली का रूप धारण किया, ज्वाला रूपिणी बन गई और अपवित्रता का नाम निशान खत्म कर दिया। जो ईश्वरीय ज्ञान में शंकाएं पैदा करने वाली है और आम, संस्कृत में आम को कहते हैं आमर, आम्र, आम्र अर्थात आम के फल को फलों का राजा कहा जाता है। जितने भी दुनिया में फल हैं उनमें उच्च कोटि का फल है आम, वो तो जड़ आम है।
लेकिन चैतन्य आम भगवान बाप आकर के पैदा करता है, वो चैतन्य आम है रुद्रमाला के मण के। वो रुद्रमाला के मण के दो प्रकार के हैं, उसमें देशी मण के भी हैं और विदेशी मण के भी हैं। जो देशी मण के हैं वो देशी आम हैं और जो विदेशी मण के हैं वो विदेशी आम हैं। ये बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। जिन्हें रुद्र की माला कहा जाता है, ये सन्यासी जो ज्ञान देते हैं उसे ज्ञान से कोई राजा ही स्थापन नहीं होती। फलों के राजा तैयार नहीं होते हैं। भगवान बाप जो आकर के ज्ञान देते हैं उससे राजाएं तैयार होते हैं। और वो राजाएं रूपी मण के, रुद्रमाला के मण के सन्यासियों को फेंक फेंक के मारे जाते हैं, जैसे कि कोई को पत्थर मारा जाता हो। अर्थात भगवान बाप आकर जिन बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ाता है वो सब पढ़ाई से श्रूड बुद्धि हुए बच्चे उन सन्यासियों को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं जो उन्हें पत्थर के मुआफिक लगती हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में जब जब सन्यासी भाषण करने बैठते हैं तो उनको आम फेंक करके मारते हैं। ये भक्ति मार्ग में यादगार चलती है। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक नॉलेज में सब सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं, सन्यासी हैं। बाबा ने बोला है ये छोटी छोटी कन्याएं इन्हें बड़े बड़े सन्यासियों धर्मगुरुओं को बाण मारेंगी। अब उसको बाण कहो, पत्थर कहो, गोली कहो, कुछ भी कहो, इन गुरुओं को मारो गोली। तो जैसे गोली की मार होती है, पत्थर की मार होती है, भीष्म पितामह को ढेर के ढेर बाणों की मार लगी। ये कौन से बाण हैं? यही ज्ञान के बाण हैं। जो रुद्रमाला के मणकों से लगते हैं। और जन्म देने वाले उनकी आत्मा भी परम धाम जाएगी। हाँ है, शरीर मुर्दा क्यों होगा? शरीर जो है वो बर्फ में सुरक्षित रहेगा, मुर्दा अलग बात होती है। जैसे सर्प काट लेता है तो कहते हैं सांप का काटा हुआ मनुष्य मरता नहीं है, गहरी निद्रा में चला जाता है।
ऐसे ही ये योगाग्नि की गहराई में जाने वाली आत्माएं हैं। जब संसार का अंत होगा, एटम बम फटेंगे, सूरज जोरों से तपेगा, तो पृथ्वी पर जो सागर है उसका पानी बॉयल होने लगेगा और भाप बनकर के ऊपर उड़ेगा। इतनी जोर से बरसात होगी कि सारी दुनिया में कई दिनों तक बरसात के जोर से इतना टेम्परेचर गिर जाएगा कि बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। उस बर्फ के ढेर में, बर्फ के पहाड़ में दो तरह के मनुष्यों के मुर्दे होंगे। एक होंगे जिन्होंने योग बल की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाई, उनके शरीर तो सड़ जावेंगे, और एक मुट्ठी भर वो बच्चे होंगे जिन्होंने योग बल से सिद्धि प्राप्त कर ली, अपने संकल्पों को पहले ही जाम कर लिया। तो जिन्होंने अपने संकल्पों को जाम कर लिया उनके शरीरों को प्रकृति खलास नहीं कर पाएगी, सुरक्षित रखेगी। बल उन शरीरों में से आत्मा उड़ करके परम धाम चली जाएगी, और जो जितना योगी होगा, बड़े से बड़ा योगी होगा, तो पहले से पहले अपने उस सुरक्षित शरीर में प्रवेश करके पृथ्वी पर विचरण करने लगेगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने जो आर्य समाज चलाया, उनकी सृष्टि की थ्योरी में ये बात आई है कि जब नई सृष्टि शुरू हुई तो पहाड़ों से जोड़े निकल पड़े स्त्री पुरुष के। अब वास्तव में जोड़े निकलने की बात नहीं है, राधा कृष्ण जैसी आत्माएं जो समान पुरुषार्थी होती है, राम सीता जैसी आत्माएं जो समान पुरुषार्थी होती है, वो साथ साथ नीचे उतरती है परमधाम से और अपने अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस आत्मा की गर्मी से वो शरीर बर्फ से ऑटोमेटिक निकल करके बाहर आते हैं। ऐसे सृष्टि की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। बाकी ऐसे नहीं है कि सबके शरीर मुर्दा हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं। बाप तो कहते हैं, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया हूं।
आत्मा को भी पार ले जाता हूँ और शरीर रूपी नैया को भी पार ले जाने वाला खिवैया आया हुआ है। मैं ऐसा धोबी हूँ जो तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को भी ऐसा धो देता हूँ जो नई दुनिया में तुम सुरक्षित पहुंच जाते हो। दुनिया के जो धोबी होते हैं वो कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोकर साफ कर देते हैं या फाड़ के फेंक देते हैं, है? साफ करते हैं। तो ऐसे ही बाप भी शरीर रूपी वस्त्रों का धोबी है, ऐसी सफाई करता है कि कपड़े फटने नहीं पाते। कंचन काया बन करके नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। ऐसा धोबी किस काम का जो कपड़ा फाड़ के रख दे और कहे अगले जन्म में ले लेना, तो कोई कपड़े देगा है? वो तथा कहते तो ब्राह्मण बीके वाले क्या कहते हैं, है? उनका क्या कहना है, है? पढ़ने की बात नहीं है, यहाँ बात है कपड़े धोने की। वो कहते तो हैं भगवान बाप वाशरमैन है, धोबी बनकर आया है, लेकिन उनका कहना ये है धोबी यहाँ कपड़े धोता है, यहाँ कपड़ा खत्म हो जाएगा और अगले जन्म में हमको नया कपड़ा मिल जाएगा। यहाँ तो बाप की पढ़ाई भी ऐसी है, यही पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाई पढ़ के इसी शरीर से यही इसी दुनिया में ऊंच पद ले लो। बैलगाड़ी है, शंकर पार्वती बैठा है। बैलगाड़ी में शंकर पार्वती बैठे हैं, है? क्या है? ये तो बाबा ने बोला है माया की मत पर मनुष्यों ने ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए हैं। नहीं तो बाप ने आकर के मुख्य चार चित्र बताए हैं जो एक्यूरेट हैं समझने समझाने के लिए। अब इस गाड़ी में जो चित्र दिखाया गया है ये दो बैल हैं, अरे दो बैल हैं, दो हैं, दूर बैठने वालों को एक दिखाई पड़ता होगा, दो बैल हैं और गाड़ी में जुते हुए हैं और उस बैलों पर बैठे हुए हैं शंकर पार्वती। वास्तव में
ये जो दो बैल हैं, वो कोई दूसरे नहीं है, ये उनका उनका ही संगमयुगी रूप है। जो ब्राह्मणों की षष्ठी रूपी गाड़ी को खींचता है, ये रामकृष्ण रूपी दो बैल हैं, जिनको हम अपनी भाषा में कहते हैं छोटा बाबा और बड़ा बाबा। और जो गाड़ी में ऊपर बैठे हुए हैं शंकर पार्वती के रूप में, वो इनका ही संपन्न रूप है। और शीतला अम्बा, ये काल कहते हैं समय को, समय चक्र। और इस काल को जो चेंज करने की ताकत रखता है, कलयुग को बदल करके सतयुग बनाने की जो ताकत रखता है, उसे कहते हैं श्रीकाल, महाकाल। और महाकाल होता है तो महाकाली भी होती है। ये काल और काली ये तामसी रूप है, यह सतो प्रधान रूप है, तामसी रूप है। इनका सात्विक रूप है शीतल। जो बाबा ने बताया है कि जो सरस्वती जगदम्बा है, वो ही तमो प्रधान होने पर फिर महाकाली बनती है। पहले शीतल है, बाद में गर्म हो जाती है, आंखें लाल लाल और जीभ लाल लाल, चेहरा लाल लाल, क्रोध आग्नि बन जाती है। और बगुला देवी, जैसे बगुला देवता वैसे बगुला देवी। बगुला पुरुषार्थी होता है ना, बगुला तपस्वी भी होता है, बगुले के समान तपस्या करने वाला, बक ध्यानी। बक कहते हैं बगुला को, ऐसे ध्यान लगा कर एक टांग पे खड़ा होता है कि कोई देखने वाला कहेगा कि बड़ा ध्यानी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत तपस्वी है। और जैसे ही कोई मछली बहती हुई आती है, चाहे वो मरी हुई मछली ही क्यों न हो, फटाक से उसको गड़प कर लेगा और फिर खड़ा हो जाएगा तपस्या में, ध्यान में। तो जैसे बक ध्यानी होता है, वो तो पुरुष रूप हो गया, तो बगुला क्या अकेला होता है, मेल ही होता है, फीमेल नहीं होती होगी, है फीमेल भी होती है, जिनको बाबा कहते हैं सुपनखाएं पूतनाएं। क्या, जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है, बाहर से दुनिया को ऐसे दिखाती है कि जैसे हम बड़ी तपस्विनी है, और जहां मौका लेगा उस मौके को वो छोड़ने वाली नहीं है, मौका परस्त है।
नरक का दरवाजा फटाक से खोल देती है। उनको कहा जाता है क्या बताया? बगुला देवी, बकुला, बकुला, हाँ वही बक बक है। बालाजी की एक माता है, कितनी माताएं हैं बालाजी को? अरे बालाजी को माताएं कितनी हैं? पत्नी कितनी है? दो पत्नियां हैं। उनकी कथा तो मालूम है ना? एक का नाम श्रीदेवी, वो तो श्रेष्ठ कर्म करने वाली है, और दूसरी का नाम भूदेवी। भू माने पृथ्वी, श्रीदेवी होती है स्वर्ग में जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, और भू कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी पर एक धर्म होता है या दस धर्म होते हैं? दस धर्म होते हैं। तो दस धर्मों की जो अम्मा है वो ही बगुला देवी है, बकुला। और है इतना बड़ा टीका लगाते हैं, जो टीका है वो आत्म की स्मृति में टिकने की निशानी है। क्या टीका किस बात की निशानी है? आत्म की स्मृति में टिकने की निशानी। इतनी गहरी आत्म की स्मृति में टिकते हैं कि उनका बाहरी चेहरा, बाहरी आंखें, बाहरी इंद्रियां वो दिखाई नहीं पड़ती है। क्या टीका ही टीका दिखाई पड़ता है। आत्म की स्मृति ही उनकी देखने में आती है, उनका दैहिक रूप देखने में नहीं आता है। हाँ जी, ये आंखें तो हैं स्थूल, इन आंखों से जो भी हम कुछ देखते हैं वो विनाशी देखते हैं कि अविनाशी देखते हैं? विनाशी देखते हैं, वो सब भस्म होने वाला है। तो जो बालाजी का रूप है वो त्रिपुंड जो दिखाया गया है, वो आत्मिक स्वरूप का ऐसा विशाल रूप दिखाया है भक्ति मार्ग में कि वो आंखें विनाशी देखने वाली न दिखाई दे। कौन सी आंख दिखाई दे? तीसरी आंख दिखाई दे। रामायण में राम के दो बच्चे दिखाए गए हैं, एक लव और दूसरे कुश। जो कुशा घास होती है ना, उसमें कांटा होता है, उसे कहते हैं कुश। तो एक है लव, लव माने प्यार करने वाला, वो राम का बेटा है, प्यार करने वाला। किसको प्यार करने वाला? बाप को प्यार करने वाला। झाड़ के चित्र में एक ही धर्म पिता है, जो धर्म पिता भारत की ओर मुख करके बैठा है, और बाकी सब धर्म पिताएं अपनी अपनी अकड़ में बैठे हुए हैं। वो देहभान में है, देह अहंकार में है, और एक बाप के प्यार में बैठा है भारत की ओर मुखातिब होकर के। कौन सा है? है इस्लाम धर्म।
वो है लव, और बाकी तो सब कांटे हैं। उन कांटों में बड़ा कांटा है क्रिश्चियन, क्राइस्ट। विधर्मी जितने भी धर्म हैं, उन विपरीत धर्मों में दो धर्म बड़े पावरफुल हैं, इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म। इन दोनों के जो मुखिया हैं, उनका ही नाम रखा गया है लव और कुश। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जब एडवांस ज्ञान शुरू होता है तो विधर्मियों के वो बीज रूप बाप वो प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं, क्योंकि विदेशी ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं या स्वदेशी प्रत्यक्ष करते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष करते हैं। तो सन 76 में भी जो राम सहित राम के चार भाई दिखाए गए हैं, उनमें दो हैं खास विदेशी, एक है इस्लाम धर्म का बीज और दूसरा है क्रिश्चियन धर्म का बीज, तीसरा है भारतीय बौद्ध धर्म का बीज। तो जो भारतीय है, भारत से जिसका ओरिजिन हुआ, वो तो फिर भी भारतीय है, बाद में विदेशी बनता है। लेकिन ये इस्लामी और ये क्रिश्चियन, ये तो पक्के स्वदेशी है, विदेशी। तो ये राम के दो बच्चे दिखाए गए हैं और इनकी लड़ाई भी दिखाई गई है। क्या लव कुश ने किससे लड़ाई लड़ी? राम से लड़ाई लड़ी। ये संगम युग की बात है या त्रेता की बात है? संगम युग में वो लव और कुश इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्माएं अभी भी राम वाली आत्मा के साथ विरोधाभास पैदा करके लड़ाई लड़ रही है। आदि में तो सहयोगी बनती है, बाप को प्रत्यक्ष करती है, निमित्त बनती है, लेकिन बाद में विरोध करती है। विरोध करना माने लड़ाई लड़ना। है संगम युग में आत्माओं को राजा पने के संस्कार डालते हैं, आत्माओं में राजा ही के संस्कार डालते हैं। हाँ, यहाँ संगम युग में जो बाप के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो सतयुग त्रेता की बादशाही उनको मिलती है, राजा बनते हैं। और श्रीमत के बरखिलाफ चलते हुए जब ईश्वरीय सेवाएं करते हैं तो उन्हें द्वापर कलयुगी राजा ही मिलती है। सेवा तो करते हैं, सेवा का मेवा तो मिलता है, लेकिन फर्क पड़ जाता है। सतयुग में जो राजा ही मिलती है, वहां किसी प्रकार का कोई भी विघटन नहीं होता राजा ही में, और द्वापर कलयुग में जो राजा ही मिलती है वो हिंसक राजा ही मिलती है। तो ये फाउंडेशन अभी पड़ रहा है। कलयुग में जो राजाएं बने हैं
उन्होंने तामसी पुरुषार्थ किया है, सेवा तो की है लेकिन मनमत और मनुष्य मत पर प्रभावित होकर के सेवा की, इसलिए द्वापर कलयुग की राजाई मिलती है। है हाँ, बौद्धि धर्म कैसा धर्म है? बुद्धिवादियों का धर्म है। जो बुद्धिवादी हैं वो बुद्धिवादी अपनी बुद्धि का अहंकार ज्यादा दिखाते हैं। भगवान बाप को बुद्धि वाले बच्चे ज्यादा पसंद हैं या दिल वाले बच्चे ज्यादा पसंद हैं? दिल वाले बच्चे ज्यादा पसंद हैं। ब्रह्मा बाबा है दिल वाला और राम वाली आत्मा है बुद्धिवादी। बुद्धि के आधार पर राम वाली आत्मा ज्ञान को जल्दी कैच कर लेती है, कैच तो कर लेती है लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उतार नहीं पाती है। प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए फिर भी विजयमाला का आवाहन करना पड़े और विजयमाला की हेड किसकी बच्ची है? चंद्रवंशी है, चंद्रमा की बच्ची है, है? या ज्ञान सूर्य की बच्ची है? चंद्रमा की बच्ची है और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है दिल वाला। दिल वाले बच्चे बाप को ज्यादा प्रिय है इसलिए ब्रह्मा की पढ़ाई के लिए सारी दुनिया अभी तक रुकी हुई है। उस ब्रह्मा की पढ़ाई जब तक पूरी नहीं होती है तब तक कोई भी पावन नहीं बन सकता। एक के पावन बनने पर सब पावन बनेंगे और एक के पतित बनने पर सब पतित बन जाते हैं। तो दिल का ज्यादा महत्व हुआ या दिमाग का ज्यादा महत्व हुआ? है दिल का ज्यादा महत्व हुआ। जो योगी होगा, योग माना जुड़ा हुआ, योगी माना जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा परमपिता परमात्मा से जुड़ी हुई हो तो वो हुआ योगी। मन बुद्धि रूपी आत्मा जुड़ी हुई है और भोगी वो हुआ जो मन बुद्धि वहां नहीं जुड़ी हुई है, परमपिता परमात्मा की याद में जुड़ी हुई नहीं है। क्योंकि परमपिता परमात्मा तो है ऊंचे ते ऊंचे का धाम धाम का वासी और जो भोगी हैं उनकी बुद्धि जुड़ी हुई है पांच तत्वों से बनी पृथ्वी की ओर। पांच तत्वों से बने हुई देह की ओर, जो तो जिनकी बुद्धि देह के भोग में लगी रहती है, देह के पदार्थों के भोग में लगी रहती है, देह के संबंधियों के भोग में लगी रहती है, वो है भोगी। और जिनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा परमपिता परमात्मा की याद में लगी रहती है वो है योगी।
आपकी इनकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही। तिरुपति में बाबा मालूम है, इधर चार पांच लोग हैं भाई साहब, तिरुपति नेटिव यार में चलने वाले हैं। पांच भाई लोग ऐसे हैं, पांच भाई लोग हैं। हाँ, वो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, ये संगठन क्लास में हफ्ते में दो बार हो जाएगा, इधर आते हैं गुरुवार आदिवार रविवार को आते हैं और गुरुवार को आते हैं। हाँ, तो एक भाई साहब आए तो इधर माता जी इधर संगठन में बैठने का परमिशन नहीं देता है। अच्छा, एक भाई ऐसे हैं जो हर गुरुवार को नहीं आते, वो एक गुरुवार को आते हैं। नहीं, एक रविवार में आते हैं। रविवार के मासिक संगठन में आते हैं सिर्फ। नहीं, मासिक नहीं। हाँ, हफ्ते में जो एक भाई है तो क्लास में आने के लिए मना है ना। हैं? एक भाई है तो क्लास में आने के लिए मना है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर कई कई मिनी विद्वंस से ऐसी शिकायत आई जो बाबा कहते हैं रुद्रमाला के मणके हैं ना, रुद्रमाला के मणकों में किसी में एक मुख, किसी में दो, किसी में चार, किसी में दस, किसी में 14 मुख ज्यादा हैं, इसका मतलब ज्यादा आत्माएं प्रवेश करती हैं। मुख एक है माने सिर्फ बाप दादा ही प्रवेश करता है, दूसरा कोई प्रवेश नहीं करता। तो रुद्रमाला के जो मणके हैं उनमें भांति भांति के भूत प्रवेश करते रहते हैं, और पुरुषों को सबको कहा है दुर्योधन दुशासन, बोलो कहा है कि नहीं? अरे कहा है, इसलिए पुरुष अगर अकेला आता है कन्याओं माताओं के संगठन के बीच में तो उसको मना है, अगर दो इकट्ठे हो जाएंगे तो दो बैल हो गए, दो बैल तो बैलबाजी चलेगी नहीं, इसलिए कम से कम दो हों तो माताओं के कन्याओं के संगठन के बीच में भले बैठे। इधर मुश्किल हो जाएगा। है? कोई ना कोई एक भाई आएगा। एक भाई आएगा तो नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि भूत प्रवेश करते हैं। ये भाई लोग, ये भाई साहब। हाँ, 50 किलोमीटर दूर है। हाँ, वो ट्रेन में आएगा इधर। हाँ, भाई मिलेगा तो इधर प्रवेश नहीं है। बाबा, एक बार वो भाई आए थे संगठन की क्लास में, आए तो सारी कन्याएं माता क्लास में बैठे, एक ही भाई है, इसलिए माता जी एंट्री में बेटा के स्पीकर से मुरली सुना दिया। स्पीकर बाहर बैठे हैं भाई, अंदर माताओं कन्याओं का संगठन चल रहा है और बाहर अकेले भाई को बैठ कर स्पीकर से मुरली सुनाई जा रही है, क्या परेशानी हो गई? इसमें परेशानी क्या हो गई? तुम्हें मुरली तो सुननी है, बाबा के घर में आके मुरली सुननी है तो मुरली मिल रही है। ये भाई साहब, इधर संगठन में बैठना हमको मौका नहीं दिया। वो संगठन कन्याएं माताएं बैठी हुई है ना, तो एक ज्ञान तो है गहराई में जाने वाला। अब ज्ञान में जब ये बात क्लियर हो जाती है कि जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं उनमें सब में भूत प्रवेश करते हैं, जैसे मुरली में बाबा ने बोला, कोई कहते हैं मेरे में मम्मा आई, कोई कहते हैं मेरे में बाबा आया, आज मम्मा बाबा आते हैं कल कुत्ता बिल्ला आ जाएगा, तब क्या करेंगे? ये बात बोली या नहीं बोली? तो इसलिए एक भाई को अलाउ नहीं है संगठन में बैठने का, बाहर दरवाजे में बैठ जाओ, क्या हाल है, मुरली तो सुननी है। संगठन के वाइब्रेशन तो दरवाजे के बाहर बैठने पर भी मिल जाएंगे, वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे है? घर में सुन सकते हैं, घर में सुन सकते हैं लेकिन वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे, संगठन में मिलेंगे लेकिन कन्याओं माताओं के संगठन में अकेले नहीं बैठते। भाइयों का संगठन क्यों नहीं इकट्ठे कर रहे? इन भाइयों से कहो कि दो चार इकट्ठे होके आ जाए, अकेले बैठने की क्या जरूरत है?
और अकेले बैठने के लिए इतनी जिद क्यों? जिद होने का क्या मतलब है? हैं? कारण भी बता दिया कि रुद्रमाला के मणकों में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, तुम बच्चों के द्वारा इन भूत प्रेतों का भी उद्धार होगा। ये इविल सोल्स इतनी निकल रही हैं, इनका उद्धार कहां से होगा? हम बच्चों में ही प्रवेश करके उद्धार होगा, नहीं तो इनको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो उनसे सुरक्षा का प्रबंध हमको नहीं करना है, करना पड़ेगा। और एक मिनट क्या क्या हाँ क्या बोला क्या कथा करें बैठ के? जो पूछो सो बताएं। है काशी नगरी के बारे में जानते हैं? वो तो मुरली में बताते ही रहते हैं। काशी के बारे में क्या कभी मुरली में क्लेरिफिकेशन नहीं आया? आता ही रहता है, अब जो पूछो उसका जवाब दे। है? माता जी पूछनी थी। हाँ। उस साल के पहले हाँ। इधर कड़पा जिले में एक कालक ज्ञानी नाम का है वीर ब्रह्म वीर ब्रह्म हाँ। वो कालक ज्ञान ठीक है, वो बताया उस दिन कुछ साल के पहले आने वाले के समय में वीर वसंत राय वो आएगा, उसके आने का बाद ये सब पुराना दुनिया खत्म हो जाएगा, नई दुनिया आएगी। उसका अर्थ क्या है ये माता जी? अर्थ देख नहीं रहे अभी। वो वीर वसंत राय कौन है? वसंत कहते हैं जिसमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, छह ऋतुएं होती हैं, उन छह ऋतुओं में एक ऋतु होती है वसंत ऋतु। उस वसंत ऋतु में भांति भांति के फूल खिलते हैं, उन फूलों में से अनेक प्रकार की सुगंध निकलती है, ये दिव्य गुणों की सुगंध निकलती है। जो दिव्य गुणों की सुगंध है देवताओं की दुनिया में आती है, अभी है राक्षसों की दुनिया। इन राक्षसों की दुनिया में जहां देखो वहां दुर्गंध ही दुर्गंध निकल रही है, जहां देखो वहां व्यभिचार की बातें सुनने में आ रही है। इसने उसके साथ ऐसा किया, इसने उसके साथ ऐसा किया, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो वैसा करता है, माने दुर्गंध ही दुर्गंध की बातें आती हैं। लेकिन जो नई दुनिया आएगी उसमें सुगंध ही सुगंध की बातें होंगी, दिव्य गुणों की सुगंध फैली होगी, किसी के मुख से दुर्वासा निकलेगी ही नहीं। उसका फाउंडेशन अभी पड़ रहा है, इसका नाम बता दिया क्या? वीर वसंत राय। राय माने राजा, बसंत माना वसंत ऋतु स्थापन करने वाला, और वीर माने वीरों में जो बड़ा वीर है, जो काम कोई नहीं कर सका वो काम करके दिखाए, तो कहते हैं बड़ा वीर है। और कोले रम्मा कोले या गोले गोले रम्मा
यहाँ दक्षिण भारत में कोई ग्राम देवता है जिनका नाम रखा गोले रम्मा? फूले रम्मा। क्या है भाषा, फूले रम्मा या गोले रम्मा या कोले रम्मा, क्या है? फो, फरक्काबाद वाला फ। अच्छा, फूले रम्मा कोले रम्मा। हाँ, अच्छा, एक तो होता है फूल, फूल होता है वो तो खिलता है, पहले छोटा होता है फिर खिलता है तो फूल हो जाता है, उसको तो कहते हैं फूल। तो फूले रम्मा नहीं है, फोले रम्मा। और फोले से बनता है फोल्डर, फोल्डर होता है ना, कागज इधर फैले हैं उधर फैले हैं उधर फैले, सब कागजों को इकट्ठा करके फोल्ड कर दिया, वो फोले रम्मा है? है वो तो ठीक है। वो राम वाली आत्मा ऐसी है जो चारों तरफ दुनिया में जो फैले हुए हैं, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार की आत्माएं, अनेक प्रकार के कुल, अनेक प्रकार के मत मतांतर, उन सबको फोल्ड करके एक आत्मा ज्योतिबिंदु फोल्ड कर देता है, एक ही फोल्डर में सब इकट्ठे होकर के परमधाम में जाके बैठ जाते हैं। तो अच्छा है ना फोले रम्मा। दक्षिण भारत में ज्यादा गायन है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है इतना है? ऐसा इसलिए कि जो फैलाव है दुनिया में वो विदेशियों के ज्यादा द्वारा ज्यादा फैला हुआ है या स्वदेशियों के द्वारा फैला हुआ है दुनिया का है? विदेशियों के द्वारा दुनिया का ज्यादा फैला हुआ है, तो जिनका ज्यादा फैला हुआ है उन्हीं को ज्यादा फोल्ड किया जाता है, तो वो सारे ही फोल्ड होकर के राम वाली आत्मा के द्वारा सब परमधाम में जाके बैठते हैं। कौन? विदेशी। स्वदेशी नहीं, कौन? विदेशी। और दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहा जाता है, इसलिए यहाँ फोले फोले रम्मा की ज्यादा मान्यता है, उत्तर भारत में इतनी मान्यता नहीं है। हाँ, है? है? सुरेंद्र पुष्प, वहाँ फूल जो हैं पुष्प वो सुगंध देने वाले नहीं होते, उत्तर भारत में नहीं होते, ज्यादा नहीं होते, होते हैं वहाँ तो फूलों की घाटी है पूरी, उसे कहते हैं कश्मीर में फूलों की घाटी, सुगंध ही सुगंध रहती है, ऐसे नहीं है सुगंध छोड़ने वाले और दुर्गंध छोड़ने वाले चारों तरफ हैं, दुनिया के हर हिस्से में अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं, दक्षिण भारत में भी अच्छे से अच्छे हैं और बुरे से बुरे भी है। बाबा, ये बोले रम्मा के पास हर साल बहुत सारे भैंस शीप और बकरे को बलि चढ़ाते हैं। हाँ, बकरे बकरे बलि चढ़ाते हैं, बकरे शीप। हाँ,
बकरों की बहुत बलि चढ़ाई जाती है। तो ये दुनिया में जितने भी विधर्मी हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सारे ही विधर्मी मैं करने वाले हैं ना। मैं इस दुनिया को स्वर्ग बनाऊंगा, जन्नत बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कुछ कर पाते हैं क्या? ये सब बकरे हैं, इन बकरों की मार काट के बलि चढ़ा देते हैं। कौन? फोले रम्मा। संघ का रंग लेना चाहिए, जिसका संघ का रंग लेंगे वैसे ही बन जावेंगे। शिव बाबा को बुद्धि से ज्यादा संघ का रंग लेंगे तो शिव बाबा जैसे बन जावेंगे। बाप आए ही हैं आप समान बनाने के लिए। बाप है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो बच्चे भी क्या बन जावेंगे? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जावेंगे।